नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयद या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको कस्टोडियन ऑफ द हाउस मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब स्पीकर, और उसके बाद मैं जितने मेरे मिनिस्टर साहबान मुंतखब हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक शेर अर्ज करूँगा। तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबरा ऐ शहबाज, यानी मियाँ शहबाज, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस मुश्किल तरीन हालात में जबकि इकानमी के बुरा हाल है और बेरोज़गारी आम है, महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, जनाब स्पीकर इन सब चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और तमाम मिनिस्टर साहबान और हमें तमाम इत्तेहादी जमातों को मिलकर शब और रोज़ मेहनत करना होगी, फिर जाके हम आवाम के सामना कर सकेंगे जनाब स्पीकर। क्योंकि इलेक्शन जो हम आ रहा है और मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब हैं जनाब स्पीकर। अब मैं नियाज़ी साहब की हुकूमत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, जिसने पाकिस्तान को रियासत मदीना का नाम दिया और 12 करोड़ अवाम के साथ वो 4 साल झूठ बोलता रहा और कुछ उलमा इकराम के साथ भी वो झूठ बोलता रहा। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना क्या बनाना था, उसकी कारकर्दगी 0/0 रही। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, वो ख़तमुन नबीन रहमतुल्लालमीन हैं। जिस आदमी को ख़तमुन नबीन नहीं पढ़ना आता, रहमतुल्लालमीन नहीं पढ़ना आता, नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता। एक दफ़ा मेरी पीटीआई वाले से लोगों से कुछ बहस हो गई, मैंने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को कहो छठा कलमा सुना दे, मैं रिज़ाइन कर दूँगा अपनी सीट से। जनाब स्पीकर, ये क्या रियासत मदीना इसने क्या बनानी थी। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी को रहमतुल्लालमीन और ख़ातमुन्नबीन नहीं पढ़ना आया था 2018 में, मैंने यहाँ उस पर एक ये तनकीद की थी, वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म भी यहाँ बैठे थे और वज़ीर आला साहब भी यहाँ बैठे थे। इस तनकीद के ठीक 3-4 दिन बाद मेरे ऊपर 2 नैब की इंक्वायरियाँ खोल दी गई, 2 एंटी करप्शन में पर्चे दे दिए गए, एक पानी चोरी का पर्चा दे दिया गया और FBR में भी इंक्वायरी खोल दी थी। इनकी बर्दाश्त का मादा तो जनाब स्पीकर ये है। लेकिन जनाब स्पीकर, बंदे को अखलाक और किरदार से पहचाना जाता है। उसने तो हमारी यूथ को गालियां सिखाई हैं, नाच गाना और डांस सिखाया है और बड़ों से बदतमीजी सिखाई है। जनाब स्पीकर, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें हमारे सबका वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं तो एक नाम का मुसलमान था, मेरे वालिद कभी कभी ज़बरदस्ती मुझे जुमा पढ़ाने ले जाया करते थे। जनाब स्पीकर, वो खुद सोमो सलात का पाबंद नहीं है और उसके मुंह से कैसे रियासत मदीना की बात सजती थी। ये सब और सब वो 4 साल अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है। जनाब स्पीकर, अगर हम रियासत मदीना की बात करें तो हमें खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलना होगा। जनाब स्पीकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मिसाल है कि वो रात को गलियों में गश्त किया करते थे। एक दफ़ा वो अपने रुफ़का के साथ गलियों में गश्त कर रहे थे, किसी मकान से रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने कहा कौन रो रहा है, वो उस तरफ चल दिए। वहाँ जाके हाल दरियाफ़त किया तो उनके वालदैन ने कहा कि हमारे बच्चों ने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, भूखे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं पाँव पर वापस आए और अपने कंधों पर गंदम की बोरी उठाई और उनके घर छोड़कर वापस आ गए। और उनको वापस आने के बाद पता चला ये तो वक्त के हाकम थे। वक्त के हाकम तो जनाब स्पीकर ऐसे होते हैं। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे मुल्क में आज नहुसत के साए ख़त्म हो गए हैं। सबसे पहले मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जनाब साबका सदर आसफ़ अली जरदारी साहब और तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, जिनकी वजह से आज हम पुराने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, इमरान नियाज़ी जब ये कहता था मेरे
खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। तो इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ, जनाब स्पीकर, रात के अंधेरे में एक गधा जोर से सरपट दौड़ रहा था और आगे कुआं आ गया, वो कुएं में गधा गिर गया, तो जनाब स्पीकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उनके आपस में इख्तलाफात भी थे। उन्होंने कहा किसी तरीके इस गधे को पानी से निकालो और पानी साफ हो जाए। जनाब स्पीकर, पिछले 75 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से हमने इमरान न्याजी को तमाम इत्तेहादी जमातों ने निकाला है। ये लफ्ज़ गधा जो है ना, ये उसको एक्सपेंड किया। सर मैं उसको तो नहीं कह रहा, मैं तो मिसाल गधे की मिसाल मैंने दी है। 75 सालों में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का हशर नशर कर दिया है। तो मेरी चंद PM ऑफिस के सिक्योरिटी लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कि यार हम तो बड़े मज़े में थे। PM साहब 1-2 बजे आते थे और आगे 4-5 चापलूसिये बैठे हुए होते थे जो कहते थे हमने ये मकान बना दिए, ये रोड बना दी, आज हमने इनको गिरफ्तार करवा दिया, ये कर दिया, आज वो कर दिया, और वो हनस सुनस कर वापस चले जाते थे। जनाब स्पीकर, ये तो हमारे उस सबका प्राइम मिनिस्टर का हाल है। उसके मुकाबले में आज मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का देखे, पहले दिन से उन्होंने क्या काम शुरू किया। मेट्रो जो 4 सालों में नहीं चल सकी थी वो 4 दिनों में चला दी। बादशाह डैम पर गए जो 2029 में कम्प्लीट होना था, उन्होंने कहा 2026 में कम्प्लीट होगा। ये ब्रिज जो पिछले 2-2.5 सालों में नहीं बना और इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में ये ब्रिज बनेगा। जनाब स्पीकर, इमरान न्याजी तो सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ अवाम के साथ झूठ बोलता रहा है। और इसके ने अपनी सियासत का आगाज कहाँ से शुरू किया था जनाब स्पीकर, और ख्वाब क्या दिखाए थे और उस पर अमल क्या किया जनाब स्पीकर? उसने अंडे, चूजे, कट्टे और मुर्गियों से अपनी सियासत का आगाज शुरू किया और आखिर में जैतून के बाग और बंग के बाग लगा दिए, वहां आके अपनी सियासत खत्म कर दी। वो क्या, वो सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान न्याजी साहब, आप हूरों वाला टीका लगाता था और उसके जितने वजीर मशीर थे वो बंग के टीके लगा के सोए रहे हैं। 4 साल काम नहीं किया इस मुल्क में जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, महंगाई का तूफान बरपा है। जो डॉलर पिछले 2013 से लेके 2017-18 तक 104 का रहा, 104 से 98 के दरमियान रहा, और पेट्रोल 65 रुपये का रहा, आज 150 रुपये का लीटर हो गया। जनाब स्पीकर, सोना 46,000 रुपये तोला था जो आज 1,32,000 रुपये तोला हो गया है। जनाब स्पीकर, मैं ये हज और उम्रे का आप रेट देख लें, उस वक्त क्या था और आज क्या है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करूँगा कर्ज़ों के बारे में। अगर कर्ज़ों के बारे में बात करें तो ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात करूंगा, हमारे मुल्क की पब्लिक डेट लाइबिलिटी जो है 2018 में कर्जा था टोटल $25,000 अरब था, और आज स्टेट बैंक के मुताबिक 50,000 अरब से तजावत कर गया है। जनाब स्पीकर, 4 सालों में इन्होंने कर्जा डबल लिया है और काम एक डेले का नहीं किया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मैं इस आह्वान में कह रहा हूँ, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दें जो इन्होंने शुरू किया हो। जनाब स्पीकर, PTI की गवर्नमेंट हर रोज डेली 17 अरब रुपया कर्जा लेती रही है। जनाब स्पीकर, काम एक डेले का नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कर्जा लिया, तो उन्होंने काम भी करके दिखाया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवे बनाई, एयरपोर्ट बनाए, मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, नए अस्पताल बनाए, खाद और बीज पर गरीब किसान को सब्सिडी दी, अस्पतालों में दवाई फ्री मिलती थी, डायलिसिस फ्री होते थे। जनाब स्पीकर, पटवारी कल्चर का खात्मा किया, लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त किया, कंप्यूटराइज किया। जनाब स्पीकर, पुलिस के निज़ाम को अपग्रेड किया, FIR जो थी वो कंप्यूटराइज की। जनाब स्पीकर, डॉल्फिन पुलिस बनाई और सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट को मुतारफ कराया। जनाब स्पीकर, अगर कर्जा लिया था तो उन्होंने काम भी करके दिखाए हैं। इस पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। आखिरी बात सर, आखिरी शेर सर। जनाब स्पीकर, ये शेर बड़ा मजेदार है, सुन ले जरा ध्यान से। गड़ी बेच डाली, ब्रेसलेट बेच डाला, कफलिंग बेच डाले, हार बेच डाला, किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा,
कि या मेरी गुलशन की हर शय का सौदा गोल्ड प्लेटेड कलाशन कोफ बेच डाला। किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, किए थे नौकरियों और मकानों के वादे, मेरे तोशे खाना का सारा सामान बेच डाला। मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, मैं रोटी और कपड़ा मकान में उलझा रहा, एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला। जनाब का और 22 करोड़ आवाम की दुआओं से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से हमने इस नशाई को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठाया है, निकाला है, घसीट कर फेंका है, इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।